बिहार में मतगणना की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी माहौल रोमांचक होता जा रहा है। खास तौर से आखिरी फेज की वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल में जिस तरह से महागठबंधन को एनडीए के मुकाबले बढ़त के संकेत मिल रहे हैं, उसके बाद सभी पार्टियां माथा पच्ची में जुट गई हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव कांग्रेस आलाकमान नजर आ रहा है। यही वजह है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नतीजों से पहले बिहार के लिए दो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। उन्होंने ये दांव यूं ही नहीं चला है, बल्कि इसके पीछे अलग अलग राज्यों में हुए कई सियासी घटनाक्रम है, जिनसे सबक लेते हुए कांग्रेस नेतृत्व इस बार कोई गलती दोहराना नहीं चाहता। दरअसल बिहार चुनाव को लेकर सामने आए एग्जिट पोल में कांग्रेस आरजेडी वाम दलों के महागठबंधन की स्थिति मजबूत दिख रही है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व नतीजों के बाद की स्थिति और आगे की तैयारियों को लेकर मंथन में जुट गया है। इतना ही नहीं, पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे को बिहार का पर्यवेक्षक नियुक्त करते हुए उन्हें पटना रवाना किया गया है। यहां वे बिहार चुनाव नतीजों के बाद की स्थिति पर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद जरूरी फैसले में अहम रोल अदा करेंगे। पार्टी नहीं चाहती कि बिहार में चुनाव नतीजों के बाद किसी बात को लेकर पेच फंसे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के जन्मदिन के अवसर पर उनके घर पहुंचे। आडवाणी से आशीर्वाद लेने के बाद उन्हें गुलदस्ता भेंट किया गया और फिर केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। राजधानी दिल्ली स्थित आडवाणी के घर पहुंचते ही सबसे पहले पीएम मोदी ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों से केक काटकर जन्मदिन का उत्सव मनाया। इस दौरान आडवाणी के परिजन भी मौजूद रहे। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने भी पीएम मोदी को केक का टुकड़ा खिलाया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पद्म विभूषण से सम्मानित दिग्गज नेता को गुलदस्ता भेंट किया। इससे पहले बधाई संदेश में पीएम मोदी ने आडवाणी को पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ही देशवासियों का प्रत्यक्ष प्रेरणा स्रोत बनाते हुए उनकी लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना की। आपको बता दें कि बीजेपी की नींव रखने वाले नेताओं में शुमार आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी देश के गृह मंत्री का पदभार भी संभाल चुके हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस का तीसरा दौर चरम पर है। मामलों की संख्या से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह अब तक का सबसे बुरा दौर है। उधर दिल्ली में प्रदूषण का लेवल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों को पहले से ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने रविवार को कहा कि राजधानी में कोरोना वायरस का तीसरा दौर चरम पर है और मामलों की संख्या देखकर लगता है कि यह अब तक का सबसे बुरा चरण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ा दी है, लेकिन होटलों की सेवाएं लेने की अभी कोई योजना नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री जैन ने कहा कि दिल्ली में कोविड-19 का तीसरा दौर चरम पर है। मामलों की संख्या को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह अब तक का सबसे बुरा दौर है। मामलों की संख्या को देखकर लगता है कि यह अब तक का सबसे बुरा दौर है। उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा बरती जा रही लापरवाही मामलों में तेज वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। जैन ने बताया कि कुछ लोगों को लगता है कि अगर वे मास्क नहीं पहनेंगे तो उन्हें कुछ नहीं होगा। वे गलत सोच रहे हैं। शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज हो जाएगा। पीएम मोदी ने आज ये ऐलान किया है। पीएम मोदी ने सूरत में हजीरा और भावनगर जिले के घोगा के बीच आज रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने शिपिंग मिनिस्ट्री का नाम बदले जाने का ऐलान भी किया। देश का समुद्री हिस्सा आत्मनिर्भर भारत का एक अहम हिस्सा बनकर उभरे, इसके लिए निरंतर काम चल रहा है। सरकार के इन प्रयासों को गति देने के लिए
एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का भी नाम बदला जा रहा है। अब यह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वॉटरवेज के नाम से जाना जाएगा, उसका विस्तार किया जा रहा है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ज्यादातर जगहों पर शिपिंग मंत्रालय ही पोर्ट्स और वॉटरवेज का भी दायित्व संभालता है। भारत में शिपिंग मंत्रालय पोर्ट्स और वॉटरवेज से जुड़ी काफी कार्यों को करता रहा है। अब नाम में अधिक स्पष्टता आने से काम में भी अधिक स्पष्टता आ जाएगी।